भीमा, तू जा अंदर पढ़ाई कर। बिंदिया, जा। भीमा मेवा, कब तक चलेगा ये नाटक नौटंकी? हमको तो अनुभव है और तुमको भी होगा ही शायद कि बाबू साहब लोगों से जितना ही दूर रहना उतना ही अच्छा है हमारे लिए। दूरी ही तो नहीं है ढंग से, हम बस मानते हैं कि हम दूर दूर हैं, मगर जब भी जरूरत पड़ती है तो वो पास बुलाकर काम हमसे करवा ही लेते हैं। तो दूर दूर छोड़कर पास पास ही थोड़ा रहे। ए मेवा, देखो तुम्हारी मेहरारू कैसे पटर पटर बोलने लगी है। अरे भौजी, तुम इसके लिए अपनी मेहरारू का जुबान काट देगा हम, और हम भी नहीं भूले कि हम धनिया के साथ साथ हम भी चाहते हैं कि भीमा पढ़े। तो ये सब जो सारा है सबका दोष हम धनिया को थोड़ी दे देंगे। तो ठीक है, होने तो जो हो रहा है हम भी देखेंगे बाद में। लेकिन ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? उस लड़के की परीक्षा और उसे परीक्षा में पास ना होने देने के लिए इतनी रात में हम सब यहां पर बैठक कर रहे हैं। उपाध्याय जी, जी एक बात पूछना आपसे। जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी पत्नी कितना बोलती थी? क्या बोलिए बोलिए बताइए। तब कहाँ बोलती थी, चुप ही रहती थी। हाँ, और अब कितना बोलती है? अरे अब तो बहुत ज्यादा बोलती है, चुप ही नहीं रहती है, जीना हराम कर रखा है। वही तो उपाध्याय जी, यदि आपने अपनी पत्नी पर पहले दिन से ही नियंत्रण रखा होता ना तो आज ये नौबत ना आती। इसलिए भीमा को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि आगे चलकर हमारा ही जीना दूभर करता है। हर कदम पे उनके लिए मुसीबत पैदा कीजिए, हर कदम पे हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि वो हारे। मकसद हर क्षण यही होना चाहिए कि वो हार जाए। तभी उसके मंसूबे मिट्टी में मिल सकते हैं। तो अब आप ही बताइए कैलाशा बुआ जी, कल हम ऐसा क्या करें कि भीमा परीक्षा ना दे पाए? ऐसा कीजिए कि
नहीं आपने, आप उपाध्याय जी। जी। कल जब परीक्षा चल रही होगी तो एक नकल का चिट्ठा बना के भीमा के पास ही कहीं फेंक दीजिए और फिर उसी चिट्ठे को निकाल के उस पर नकल का इल्जाम लगा के उसे परीक्षा से बाहर कर दीजिए, बस खेल खत्म। ये सही पैतरा है। पैतरा तो सही है, मगर पैतरा सही जगह सही तरीके से लगना भी जरूरी है। उम्मीद है कोनो ठिठोली भरा उदाहरण नहीं देना पड़ेगा। उपाध्याय जी समझ गए? जी। उपाध्याय जी देख रहे हैं ना, सब आप ही पे है, संभाल लीजिएगा। कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे, हम निराश नहीं करेंगे। मेरी बुआ भी ऐसे ही मेरे सर में तेल लगाया करती थी। अच्छा भीमा, कल भी वो लोग कुछ करेंगे का? करेंगे तो अवश्य, देखते हैं का करते हैं। भीमा, अब दीदी के लगाए गए तेल से दिमाग को राहत दो, और अगर कल वो लोग कुछ षड्यंत्र करेंगे तो उसका हल ठंडे दिमाग से सोचना। और एक बात हमेशा याद रखो कि समस्या का हल समस्या में ही होता है। पढ़ो। देखते हैं कल क्या करते हैं। तो बहुत खुश हो गई होगी ना जब वो देखी होगी कि आप उनके लिए लालटेन लेके गए। हाँ भाभी, बहुत खुश हो गई थी भीमा। रात भर बेचारी ने मेहनत करके पढ़ाई की। भाभी ये बात सुकून देती है। धर्मशिला जी, माँ जी। अरे धर्मशिला, क्या कर रही हो? सफाई कर रहे थे माँ जी। छोड़ उसे, इधर आके हमारे पाँव में तेल लगा और दबाना अच्छे से, नीचे से। जी एक बात बता धर्मशिला, सुबह सुबह ये मिट्टी के तेल से क्या कर रही थी तू? मिट्टी का तेल से तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो फिर मिट्टी का तेल कहाँ गया? हमको तो नहीं मालूम माँ जी। कालिका, विशंभर, पिंकी, हाँ माँ। वो मिट्टी का तेल कहाँ गया?
अम्मा मतलब हमको कैसे पता होगा? अरे अम्मा कोनो बात नहीं, मिट्टी का तेल ही तो है, खत्म हो गया होगा, आप कहिए तो मंगा दें। हम समझ गए कि वो तेल कहाँ है। मीरा पीछे पिग्गी, सच सच बता, तुम्ही ने तेल चुरा के बेचा है ना, इसीलिए छुप के खड़ी थी? नहीं अम्मा, हम अपने ही घर में काहे चोरी करेंगे? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने ये नहीं किया? अम्मा सबूत हमें, हम इस बात के सबूत हैं कि भाभी ने कोई चोरी नहीं की। मिट्टी का तेल लालटेन में भरकर हमने भीमा को दिया था। ताकि वो पढ़ सके और विद्यालय में होने वाली परीक्षा में लिख सके। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? खा करके आए हो? अरे हम दिन रात एक करके परिवार का वर्चस्व बढ़ाने में लगे हैं और तुम वहां जाके एक झटके में सब कुछ मटिया पली कर दिए हो। भैया हमारी कब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? विशंभर क्या लगा था तुम्हें कि हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा? अरे हम तो पहले ही समझ गए थे, इसीलिए हमने मीरा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और सबूत मांगा। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों अम्मा, बताइए क्यों? कर्मों से भरेगी पाप पुण्य की घाघर। बीमा वो क्या है? क्या कहा है सर? ये नकल की पर्ची
इस तरह परीक्षा पास करोगी? नकल की पर्ची? अभी प्रिंसिपल साहब से शिकायत करता हूँ तुम्हारी। नकल की पर्ची? और बीमा के पास? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम कौनों नकल की पर्ची नहीं लाए हैं, और हम चोरी काहे करेंगे भला, जब हमको सब आता है तो। ये तो प्रिंसिपल साहब ही तुम्हें बताएंगे। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। जैसे यहाँ मीरा पे चोरी का इल्जाम लगा है ना, ऐसे ही विद्यालय में भीमा पर चोरी का इल्जाम लगेगा जब वो नकल करती पकड़ी जाएगी। तो तुमने सबूत देके मीरा को बचा दिया, लेकिन वहां भीमा के पक्ष में सबूत देने कोई नहीं आएगा। फिर सोचो क्या होगा। नकल करते हुए पकड़े जाने पर विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है, इसलिए तुम अब जा सकती हो। हमने कुछ नहीं किया मास्टर साहब। तो फिर ये क्या? हमने कुछ नहीं किया मास्टर साहब, विश्वास कीजिए हमरा। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम नकल नहीं कर रही थी? का सबूत दे, मगर हमने कुछ नहीं किया है, और हम काहे करेंगे, काहे कि हम सब पढ़ के आए थे और हमको सब आता है। आपको विश्वास नहीं है तो सुन लीजिए हमसे। इतना समय नहीं है हमारे पास। चटकुर मास्टर साहब, पिछले कई सालों से नकल करते हुए पकड़े जाने पर हम विद्यार्थियों को यहाँ से धक्के मारकर बेइज्जत करके बाहर निकालते आए हैं। इसे तो हम में से कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये छोटी बिरादरी की है। और यहां पर छोटी बिरादरी के सिर्फ आप ही हैं, इसलिए आप ही इसे
इसका हाथ पकड़कर यहां से बाहर ले जाइए। हम सही कह रहे गुरुजी, दूसरे सवाल दे दीजिए चाहे तो, मगर ऐसा मत कीजिए। हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, हमको छोड़ दीजिए, हमने नकल नहीं की है।